हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस कैसे हैं दोस्तों आप लोग? होप करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज आए हुए हैं बैद्यनाथ बजाज शोरूम के जितने भी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो गाइस आज का टाइटल और आज का थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा। तो आज करने वाले हैं फुल डिटेल कंपैरिजन बजाज पल्सर 125 वर्सेस NS125 जो कि आपके सामने प्रेजेंट है, ऑल न्यू 2022 वेरिएंट। गाइस तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों के स्पेसिफिकेशन, दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और दोनों में क्या कुछ कंपनी आपको अलग अलग प्रोवाइड करती है उसके बारे में। बात कर ले प्राइसिंग के बारे में तो दोनों में ही आपको प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सेगमेंट्स आपको सेम देखने के लिए मिलती है, 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि दोनों बाइक में कंपनी आपको क्या कुछ अलग प्रोवाइड करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि 125 सेगमेंट में कोई अच्छी बाइक लेने के लिए तो ये वीडियो एक बार पूरी देख लेना, आपकी जो भी डाउट्स होंगे ये दोनों बाइक्स को लेके वो क्लियर कर देंगे। तो बात कर लिए दोनों वेरिएंट्स के बारे में गाइस, तो ये स्प्लिट वेरिएंट्स में प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको स्प्लिट सीट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका जो प्राइस है वो स्प्लिट सीट वाला प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है दोनों का, दोनों में ही आपको ग्लॉसी वाला फिनिश देखने के लिए मिल जा रहा है। बात कर ले फ्रंट लुक के बारे में, फ्रंट लुक में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि 2021 में जैसे NS आती थी और पल्सर आती थी वही सेम स्टाइल, कोई न्यू अपडेट नहीं, वही हैलोजन बल्ब सेटअप मिल जाएगा, इंडिकेटर्स बल्ब में मिल जाएंगे। बजाज पल्सर में आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो फ्लेक्सिबल मिलेंगे, NS में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों में ही कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बात कर ले दोनों के फ्रंट लुक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट। इसमें आपको जो मडगार्ड मिलता है इसमें आपको कार्बन फाइबर वाली फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, पर वहीं बात कर ले बजाज पल्सर में तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। और इसका नंबर प्लेट लगाने का आपका हेड के नीचे से रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और बात कर ले दोनों के इंडिकेटर्स, जैसे कि मैंने कहा था इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, पर इसमें आपको डिज़ाइन मिलता है जरूर फ्लेक्सिबल वाला, पर ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स कंपनी आपको इसमें प्रोवाइड नहीं करती है। और बात कर ले दोनों के टायर सेक्शन के बारे में, तो NS का टायर सेक्शन आपको मिल जाता है दोस्तों 80x100 का 17 इंच के आपको ग्रे अलॉय मिल जाते हैं, और पल्सर का मिल जाता है आपको 80x100 और 17 दोनों सेम ही मिलते हैं। दोनों का फ्रंट डिस्क भी आपको सेम मिलता है, 240mm का मिलता है, कैलिबर्स भी सेम मिलते हैं, डुअल पिस्टन कैलिबर्स मिलता है। दोनों में ही कंपनी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम कंपनी प्रोवाइड कर देती है जो कि ब्रेकिंग में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यूज़ करते हो तो रेयर और फ्रंट दोनों एक साथ काम करता है। बात कर ले रेयर के बारे में, तो रेयर में भी आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रैब रिल्स, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बजाज पल्सर 125 का सिग्नेचर स्टाइल टेल लैम्प, और यहाँ पर भी NS का वही सिग्नेचर स्टाइल टेल लैम्प, टेल ID, इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर्स, जो कि कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है कंपेयर टू 2021 वाला, सेम ही है, कोई न्यू अपडेट्स नहीं। इसमें आपको सारी गार्ड मिल रहा है, इसमें भी आपको सारी गार्ड मिल रहा है, पर पल्सर बजाज में आपको फीमेल साइड फुटरेस्ट मिल रहा है देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो फीमेल फुटरेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। और दोनों में ही आपको टायर हगर मिल जा रहे हैं। दोनों के टायर सेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो दोनों का टायर सेक्शन आपको मिलता है सेम 100x90 और 17 इंच के आपको अलॉय मिल जाते हैं, और पीछे में कंपनी आपको ड्रम प्रोवाइड करती है 130mm का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसका जो एग्जॉस्ट है ये आपको साइड में मिलता है देखने के लिए, ये आप देख सकते हो इसका एग्जॉस्ट, जिसमें आपको जो फुल मैट में मिल जाएगा देखने के लिए। पर वहीं बात करें NS का, तो उसका एग्जॉस्ट आपको बैली के नीचे देखने के लिए मिलता है। ये रही सीट, दोनों की सीट आप देख सकते हो, स्प्लिट सीट वेरिएंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात कर ले इसके सीट हाइट के बारे में, और यहाँ पर आप देख लेंगे ग्राफिक्स दोनों में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी 125 की बैजिंग, यहाँ पर रेड और वाइट, उसमें आपको ब्लू और वाइट का फिनिश मिलेगा मैट के ऊपर। टैंक गार्ड्स मिल जाएंगे यहाँ आपको देखने के लिए, टैंक प्रोटेक्टर हो गए, ये आपको पल्सर 3D लोगों में मिल जाएगा देखने के लिए दोनों ही बाइक में। और टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 11.5 लीटर और NS में मिल जाता है 12 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी। दोनों का माइलेज एज़ कम्पेयर सेम है, 55 प्लस ही माइलेज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये तो बात हो गई ऑल ओवर लुक्स के बारे में। बात कर ले दोनों के इंजन के बारे में गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NS के बारे में। तो इसमें आपको मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट 124.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC 2 वॉल BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन, मैक्सिमम PS 11.6, मैक्सिमम टॉर्क 11 Nm जो कि आपको 7000 RPM में मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात कर ले वहीं पर पल्सर बजाज 125 में, तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है वही सेम 124.4 सीसी का इंजन, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्ट ट्विन स्पार्क इंजन मिलता है, BS6 कंप्लाइंट DTSI, मैक्सिमम PS 11.8 और टॉर्क आपको मिलता है 10.8
जो कि आपको मिलता है 6000 RPM में गाइस। और दोनों का आप लुक देख सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें इसके इंजन काउल के बारे में, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट काउल मिल जाता है विद कैटालिटिक कन्वर्टर भी आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको मतलब एज़ कम्पेयर NS का थोड़ा सा स्पोर्टी आता है, क्योंकि नेकेड बाइक है तो उसमें थोड़ा सा आपको स्पोर्टी वाला फील आता है देखने में। और इसमें आपको दोनों ही बाइक में कंपनी केक प्रोवाइड कर देती है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है। दोनों ही बाइक्स में आपको कंपनी केक प्रोवाइड कर देती है। तो ये तो बात हो गई दोनों के स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइंस के बारे में। बात कर लेते हैं गियर्स के बारे में। तो गियर्स आप देख सकते हो NS में आपको 1 down 4 up वाला सिस्टम मिलता है, और पल्सर में आपको मिल जाता है ही एंड टो शिफ्ट। बात कर ले दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो दोनों में ही बैटरी नहीं लगी हुई दोस्तों। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि इसमें आपको एनालॉग में टैकोमीटर मिल जाता है, ऑटोमीटर, स्पीडोमीटर और लो फ्यूल इंडिकेटर, वो सब आपको डिटेल में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप इसके स्विचेस देख सकते हैं। स्विचेस की क्वालिटी आपको दोनों ही बाइक में अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है, किल स्विच सेल्फ। और यहाँ पर अगर बात करें बजाज के बारे में, बजाज पल्सर 125, तो इसमें भी आपको जो टैकोमीटर मिलता है वो एनालॉग में मिलता है। डिटेल में आपको मिल जाते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, नंबर्स ऑफ ट्रिप 2 मिल जाते हैं, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, तो ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी आप स्विचेस देख सकते हैं, स्विचेस की क्वालिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ मिल जाता है, और दोनों ही बाइक में कंपनी आपको किक प्रोवाइड करती है। तो ये तो बात हो गई किक्स के बारे में गाइस। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज पल्सर 125 जिसका लेंथ आपको मिल जाता है 2042 mm का लेंथ, वाइडनेस मिल जाती है 765 mm की, हाइट मिल जाती है 1060 mm का, सीट हाइट आपको मिल जाती है 790 mm की, ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 165 mm का, गाड़ी का कर्व वेट आपको मिल जाता है 142 kg का। वहीं बात करें NS के बारे में, तो इसका लेंथ आपको मिल जाता है 2012 mm का, वाइडनेस मिल जाती है 810 mm की, हाइट मिल जाती है 1078 mm का, ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 179 mm का, कर्व वेट आपको टोटल मिल जाता है इसका 144 kg का, और इसका सीट हाइट आपको मिल जाता है 805 mm का। तो एज़ कम्पेयर टू बजाज पल्सर 125 उसका सीट हाइट आपको कम देखने के लिए मिलता है, NS का ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो कि इसका मेन पॉइंट है गाइस। अगर बात करें बजाज पल्सर 125 तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 89,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,04,500 गाइस। तो वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, आपकी सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वहीं बात करें NS के बारे में, तो इसका एक्स शोरूम ही प्राइस है 1,04,400, मतलब आप समझ सकते हैं उसका ऑन रोड प्राइस है 1,04,500 और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,04,400। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा गाइस वो पड़ जाएगा 1,23,452। तो वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, आपकी सिटी में जो भी इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।